सीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर न्यूज रूम से। क्या रही दिन भर की हलचल, आइए देखें। दीपावली के मौके पर एक बोतल पर 30 रुपए बढ़ती को लेकर हुआ बवाल। कोतवाली क्षेत्र की चौकी राजघाट के शराब के ठेके पर लेकिन चौकी इंचार्ज दिखे नदारद। जी हाँ, बात करेंगे शाहजहांपुर की। बीते दिन दीपावली के पर्व पर शाम को अचानक चौकी राजघाट के पास देशी शराब के साथ बियर की भी दुकान है, जब शाम को शराब की बिक्री बढ़ने लगी तो अचानक ठेकेदार के करिंदों ने एक बॉटल पर 20 से 30 रुपए बढ़ा दिए। पैसों वालों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो गजीब और बीच के दर्जे के शराब पीने वाले थे उनको पता चला तो उसने पूछा कि आप किस बात के एक बोतल पर बढ़ती पैसे ले रहे हैं। इसी बात को लेकर गर्रा फाटक पर शराब की दुकान के कर्मचारियों ने जमकर मार लगाई। मोहम्मद मानूजई के लोगों के विवाद बढ़ा, लेकिन पास में मौजूद चौकी राजघाट के दरोगा तो दूर की बात जो सिपाही गए वह खड़े तमाशा देखते नजर आए। जिस तरह वीडियो में साफ देखा जा सकता है, विवाद के साथ मारपीट का भी वीडियो हुआ वायरल, लेकिन पुलिस लापरवाही कितनी वीडियो में साफ देखा जा सकता है। सबसे मजे की बात यह रही कि चौकी राजघाट ने दरोगा तेवतिया चौकी में ही बैठे रहे। क्षेत्रवासियों का कहना था कि कोतवाली के इंस्पेक्टर मौके पर आए, लेकिन उन्होंने पहले दरोगा नहीं शायद दरोगा जी यह रास्ता देख रहे हो कि जब किसी की जान जाए तो देखेंगे, क्योंकि दरोगा तेवतिया की जिस तरह से रात ड्यूटी को लेकर कार्यशैली नजर आई उससे तो यही समझा जाता है। आइए आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं, क्या नजारा है, किस तरह शराब की बोतल पर ज्यादा पैसे लेने को बवाल हुआ। If you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.